दिल्ली में जाकर छलावा कर रही हैं। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि उन्होंने तब भी सरकार चलाई थी कांग्रेस पार्टी के साथ जब उनकी घमंडिया अलायंस के नेतृत्व ने तब यूपीए की सरकार का नेतृत्व किया था, तब भी पश्चिम बंगाल के लिए वो विकास के कोई प्रमुख कार्य नहीं कर। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन नाइन न्यूज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह दुर्भाग्य है कि ममता बनर्जी विधायकों की पैसे तो बढ़ा देती हैं लेकिन श्रमिकों की मेहनत की कमाई नहीं देती। केंद्रीय मंत्री ने सिलीगुड़ी में स्वच्छ अभियान में शिरकत की और सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग मोड़ के डागा फुटबॉल मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित किया। आपको बता दें, पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता बनर्जी विधायकों का वेतन तो बढ़ा देती हैं लेकिन चाय बगान में काम कर रहे श्रमिकों की मेहनत की कमाई नहीं देती। पीएफ का पैसा नहीं देने पर लगभग 80 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टीएमसी ने समाज के सभी लोगों को ठगा है। राज्य में चाय बगान के कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही। चाय बगान के कर्मियों का एकीकरण तृणमूल को चुनौती है। केंद्र सरकार द्वारा कथित तौर पर पश्चिम बंगाल के फंड रोकने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस 2 और 3 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन यहाँ पर करेगी। टीएमसी के नेता दिल्ली पहुंचने लगे हैं। 3 अक्टूबर को ही ईडी ने अभिषेक को नौकरी घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुला लिया है। टीएमसी की धरना पर तंज कसते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, अगर किसी बच्ची के साथ बलात्कार होता हो तो आप दिल्ली में मार्च क्यों नहीं करते? मैं पीएफ जमा नहीं करने पर एफआईआर दर्ज करा रही हूं। आप मालिकों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? इधर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि यहाँ पर स्मृति ईरानी अपने वक्तव्य में क्या कहती हुई नजर आ रही हैं। कर्मियों के लिए, कर्मयोगियों के लिए जो आंदोलन छेड़ा है वर्षों से, चाय बागान के कर्मयोगियों को तृणमूल की सरकार ने वादे देकर छलने का दुस्साहस किया है। चाहे वो उनकी जो स्किल्ड लेबर है उसकी लागत हो सही, चाहे घर का वादा पूरे करने की बात हो, चाहे जमीन का पट्टा देने की बात हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता बंदोपाध्याय अपने एमएलए की सैलरी बढ़ाती हैं लेकिन बगाम में काम करने वाले हमारे कर्मयोगियों को उनके जो मेहनत का पैसा है वो नहीं दिलवाती। मैं विशेष ये भी कहना चाहूंगी कि पीएफ का पैसा जो कई कर्मचारियों का मैनेजमेंट देता नहीं है उसके खिलाफ लगभग इलाके में 80 एफआईआर की गई लेकिन आज तक पीएफ का पैसा गरीब कर्मचारियों तक पहुंचाया नहीं गया। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको टीएमसी ने ठगा ना हो। आज चाय बागान के कर्मियों का एकत्रीकरण तृणमूल कांग्रेस को चुनौती है। मैं इतना ही कहूंगी, काठमानीटा बंद होच्छे ताई एरा दिल्ली जाच्छे। आज के चा बागानेर लोकेदेर जे कष्ट, ओई कष्ट निये काज करलो ना। आर ममता बंदोपाध्याय जो दिल्ली में जाकर छलावा कर रही हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि उन्होंने तब भी सरकार चलाई थी कांग्रेस पार्टी के साथ जब उनकी घमंडिया अलायंस के नेतृत्व ने तब यूपीए की सरकार का नेतृत्व किया था, तब भी पश्चिम बंगाल के लिए वो विकास के कोई प्रमुख कार्य नहीं कर पाए। आज वो स्वयं सरकार में राज्य में हैं, तो वो ना खुद विकास करती हैं, ना प्रगतिशील नरेंद्र मोदी सरकार का सहयोग कर जनता तक न्याय पहुंचाती हैं। बांकुड़ा जो 4 जन मारा गया आवास माटी घर भेंगे तृणमूल जो बाड़ी बनिए तृणमूल जो माटी रहे उठा भी जानी तृणमूल जो घर बनिए निजेर पॉलिटिक्स से वही घर थी के कत कैश पावा जाच्छे
ভেরিয়াস এজেন্সিজ মাধ্যমে থেকে ওটা দেখা উচিত। কেন এত বছর মা মাটি মানুষের কথা বলার পরে আজ অবধি পশ্চিমবাংলায় গরিব ভালো বাড়ি পাচ্ছে না, আর আবাস যোজনাতে যত ঘোটালা হয়েছে, স্ক্যাম হয়েছে, ওই স্ক্যামের জবাব কেন তৃণমূল পার্টি দিচ্ছে? तो सुना आपने, यहाँ पर स्मृति ईरानी ने बड़े आरोप लगाए हैं चाय बागानों को लेकर, जिसके ऊपर यहाँ पर कहा गया है कि ममता बनर्जी के ऊपर कई सारी FIR भी हैं और लगातार लोग अपनी शिकायत भी कर रहे हैं। और यहाँ बात करें अभिषेक बनर्जी की, तो उनका कहना है आए दिन हाईकोर्ट में PIL दाखिल करने वालों के लिए आज PIL जनहित याचिका की जगह राजनीति हित याचिका बन गई है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 100 दिन काम करने वाले मजदूरों को 2 साल बाद भी भुगतान क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर कोई जनहित याचिका क्यों दायर नहीं की गई। तो देखा क्या जा रहा है कि यहाँ पर एक तरफ TMC दिल्ली में आकर मार्च कर रही है केंद्र सरकार के खिलाफ, तो दूसरी तरफ यहाँ पर स्मृति ईरानी ने TMC के ऊपर बड़ा निशाना साधना शुरू कर दिया है, जो कि आपने सुना कि किस तरीके से बड़े आरोप यहाँ पर CM ममता बनर्जी पर लगाए हैं। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।